लम्हा लम्हा सरक गया, थोड़ा थोड़ा करके गुजर गया। ये वक्त भी क्या चीज है, अपने वक्त से यूं निकल गया। गर्म हवा के गुब्बारे जैसे हाथ से छूटते हैं, वैसे ही मुंह चिढ़ा के उड़ गया। उफ, ये साल फिर यूं ही बीत गया। क्या आपका भी ये साल यूं ही बीत गया है? क्यों क्यों ये साल आपका यूं ही बीत गया? आपने पिछले साल रेजोल्यूशन लिया हुआ था, आपने संकल्प लिया हुआ था कि ये साल जिंदगी में ये बदलाव लेकर आना है, पर क्या हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ? पूरा होना चाहिए था साथियों। कई बार हमारा रेजोल्यूशन ऐसा होता है जिससे हम वो पूरा ही नहीं कर पाते। हर व्यक्ति रेजोल्यूशन लेता है, अलग अलग रेजोल्यूशन। सबसे कॉमन रेजोल्यूशन है, इस साल मैं थोड़ी ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा, इस साल मैं वेट लॉस करूंगा, इस साल मैं थोड़ा पतला हूं तो थोड़ा हेल्दी हो जाऊंगा, मैं इस साल घूमने जाऊंगा, इस साल मैं गिटार सीखूंगा, इस साल मैं वायलिन सीखूंगा, इस साल मैं स्केटिंग सीखूंगा, इस साल मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा, इस साल मैं जॉगिंग करूंगा, इस साल मैं अच्छे खाने बनाऊंगा, इस साल मैं पूजा करना शुरू करूंगा, इस साल मैं लोगों से रिश्ते अच्छे सुधारूंगा, इस साल मैं नए दोस्त बनाऊंगा। ढेर सारे होते हैं, ढेर सारे। इसमें से शायद ही कुछ पूरे हो पाते हैं, और जो पूरे होते भी हैं उनसे हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता है, कुछ भी फर्क नहीं आता है। केवल हाँ, हमारे कुछ शौक पूरे हो जाते हैं, हमारा टाइम पास हो जाता है। तो ऐसे रेजोल्यूशन कैसे होने चाहिए जिससे हमारी जिंदगी में फर्क आए? रेजोल्यूशन का मतलब वही है ना, हम न्यू ईयर में क्यों लेते हैं? क्योंकि साल में एक बार हमें लेने का, ये संकल्प लेने का मौका मिलता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि दुनिया में 99% से ज्यादा लोग कभी रेजोल्यूशन लेते ही नहीं, और जो लेते हैं उनके कभी पूरे होते नहीं है। पर एक तरीके की हम बात करें जिससे ये पूरा होगा। मैं आपको कुछ ऐसे रेजोल्यूशन बताऊंगा जिससे अब आपकी जिंदगी में फर्क आएगा, जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आएगा। केवल शौक या टाइम पास के लिए नहीं, आपकी जिंदगी में बेहतरी के लिए मैं चार ऐसे आपको रेजोल्यूशन बताऊंगा जिससे आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। क्या आप तैयार हैं साथियों? पहला है आदत। आदत, एक महान व्यक्ति ने कहा है, आप अपनी आदतें बताइए, मैं आपका भविष्य बताऊंगा। मतलब आपकी जो भी आदतें हैं वो आपका भविष्य तय करती हैं, भविष्य बनाती हैं। अगर आपकी अच्छी आदतें हैं, देर सवेर आपका बेहतर भविष्य होगा। अगर आपकी आदतों में कुछ गड़बड़ियां हैं, आपका भविष्य देर सवेर बहुत अच्छा नहीं बनने वाला है। तो हमें करना क्या है, अपनी आदतों को सुधारना। बहुत आसान है आदत सुधार लो बोलना। आपको भी यही लग रहा होगा, मुझे भी वही लगता था। इसके लिए एक सरल तरीका बताता हूं। आप एक साल में ना ढेर सारी आदतें नहीं सुधार सकते। कर क्या सकते हैं आप, अपनी ढेर सारी आदतों को लिखिए। क्या आदतें हो सकती हैं, कुछ गलत आदतें हैं, उन ढेर सारी आदतों में से एक आदत को डिलीट करना है। अब क्या आदतें हो सकती हैं, कहीं लेट पहुंचने की आदत होगी आपको, सुबह देर से उठने की आदत होगी आपको, बहाने बनाने की आदत होगी आपको, शायद ज्यादा गुस्सा करने की आदत होगी, शायद ज्यादा जिद करने की आदत होगी, शायद कुछ अपशब्द कहने की आदत होगी, या और कुछ कई सारी आदतें हो सकती हैं। कौन सी आदत आपके अंदर है जो शायद थोड़ी सी अच्छी आदत नहीं है, या आपकी जिंदगी में गैर जरूरी आदत है, उन आदत में से एक आदत को डिलीट करिए। सारे आदत को एक साथ करने जाएंगे शायद हम किसी में सफल नहीं होंगे। एक आदत, इस साल हम केवल एक आदत को डिलीट करेंगे। और दूसरा काम क्या है, आदत में ही एक अच्छी आदत जो आपको लगता है कि यार ये बहुत अच्छी आदत है। देखो वो कितना ना लोगों से बात करने में ना वो कितने अच्छे से बात करता है, लोगों से उसका ना लोक व्यवहार बहुत अच्छा है, वो जब लोगों से बात करता है अपना बना लेता है। या और भी कुछ ढेर सारे आदतें हो सकती हैं, वो बड़े लोगों से कितने अच्छे से मिलता है, छोटों से कितने अच्छे से प्यार से बातें करता है, वो ये काम में बहुत एक्सपर्ट है। कुछ भी जो आदत आपको अच्छी लगती हो, चाहे किसी के में भी अच्छी लगती हो, वो आदत आपके में भी तो होनी चाहिए। क्योंकि अच्छी लोगों की कॉपी करने में कोई बुराई या कोई शर्म नहीं है। हम सफल लोगों की कॉपी करके तो सफल होते हैं, तो अच्छे लोगों की कॉपी करके हम अगर अच्छे हो सकते हैं तो कर लेते हैं। तो एक अच्छी आदत को ऐड करें, एक बुरी आदत डिलीट करें और एक अच्छी आदत को ऐड करें। आदतें आपका भविष्य बनाती हैं, आपकी आदतें ही आपका भविष्य बनाएंगी। तो एक आदत डिलीट, एक आदत को ऐड करें। दूसरा रेजोल्यूशन जो आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है वो है बुक्स पढ़ें। बुक्स, अब आपका कहना होगा सर हम तो पढ़ते ही हैं बुक, अरे मैं तो स्कूल में हूं, मैं तो कॉलेज में हूं, मैं तो ऐसे भी बुक पढ़ता हूं। वो बुक्स नहीं, बुक्स हो रहे हैं सेल्फ डेवलपमेंट की बातें। सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़नी है जिससे अब आपकी व्यक्तित्व में निखार है, आपकी सोच डेवलप हो। साथियों कहा जाता है आपके पास जितना नॉलेज होगा उतना ही आप पैसा कमाएंगे, या जितना ही आप पैसा कमा रहे हैं उतने ही के लायक आपके पास नॉलेज है। अगर ज्यादा नॉलेज हो जाए तो सामान्य लोग यहां से नीचे से पैसा कमाते हैं, मतलब शरीर से, और जो सफल लोग हैं यहां से। अंतर क्या है, सफल लोग थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाए। कैसे लगाए, हमने तो भी ग्रेजुएशन सेम कॉलेज से किया होगा, लेकिन उन्होंने दूसरों के नॉलेज से ज्यादा सीखा, और वो नॉलेज मिलता है बुक से। एक सफल व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी भर का निचोड़ एक 200 पेज के बुक में रख देता है, और अगर हम वो पढ़ करके उनकी जिंदगी की सफलता को सीख सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक पढ़ना शुरू करें।
सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़ें, और उस 150-200-250 पेज का बुक होता है। तो हमें करना क्या है, अगर हर रोज केवल 10 पेज पढ़ते हैं, केवल 10 पेज, तो महीने भर में एक बुक खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से साल भर में आप 12 बुक खत्म कर चुके होंगे, 12 बुक। और 12 बुक मतलब आप अपने अंदर ढेर सारा नॉलेज ले चुके होंगे। और 12 बुक्स आप बेस्ट सेलिंग बुक्स आप देख सकते हैं गूगल पे सर्च करके, जो बुक्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। पर फिर वही सेल्फ डेवलपमेंट की बुक, उपन्यास नहीं पढ़ना है, जादुई कहानियां नहीं पढ़ना है, सेल्फ डेवलपमेंट की बुक्स पढ़नी है। अगर आप 12 महीने में 12 बुक्स पढ़ते हैं, अगले साल देखना आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव होना शुरू हो गया होगा। बुक्स पढ़ें, सबसे अच्छे दोस्त हैं बुक्स, आपको सही राह दिखाते हैं। बुक्स पढ़ना जरूरी है, 15 मिनट डेली का 15 मिनट दें बुक्स पढ़ने पे। तीसरा रेजोल्यूशन, जो बेहद इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन है, वो है पॉजिटिव बातें करें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहने का प्रयास करें। हमारी जिंदगी, हमारी दिनचर्या ऐसी होती कि हम ज्यादातर ना नेगेटिव बात करते हैं। अरे महंगाई बहुत है, अरे सरकार ठीक नहीं है, अरे देखो ना पड़ोसी ऐसा गलत आदमी है। दिन भर हम नेगेटिव टॉक करते हैं, और नेगेटिव टॉक करने में मजा बहुत आता है, बहुत मजा आता है, लेकिन जिंदगी में कोई फायदा नहीं होता, जिंदगी में उससे तरक्की नहीं होती। हमेशा पॉजिटिव बात करने का प्रयास करें, और उन्हीं लोगों से मिलने का प्रयास करें जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बात करते हैं, आपको पॉजिटिविटी की ओर मूव करते हैं, प्रेरित करते हैं। अगर आप ऐसे दोस्तों से मिलते हैं, अरे तेरे से नहीं होगा, तू नहीं कुछ कर पाएगा, तेरे से कहां होगा यार, तू ऐसी बातें करता है, ये अगर इस तरह की बातें कोई कर रहा है, वो आपको आगे बढ़ने में तो कभी भी मदद नहीं कर रहा है। तो करना क्या है, कोशिश करें, आप दोस्त तो छोड़ नहीं सकते हैं तुरंत, ठीक, तो करें क्या, उनसे जब तक आपको इंटरेस्ट है बात करें, और जब लगे कि नेगेटिव बातें हो रही हैं, अरे यार घर में बुला रहे हैं, ये बोलकर आप वहां से चले जाएं। नेगेटिव टॉक करेंगे, आपकी माइंड में नेगेटिविटी भरती जाएगी और आपको आगे बढ़ने के लिए वो रोकते रहेंगे। तो नेगेटिव टॉक्स ना करें, नेगेटिव लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाने का प्रयास करें, और पॉजिटिव लोगों के बीच में रहने का प्रयास करें। इसके बारे में मैं और कभी और अच्छे से डिटेल में बात करूंगा। फोर्थ है, वो है समय। समय सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने सबको एक बराबर दिया हुआ है, वो क्या है, समय। एक अमीर आदमी को भी 24 घंटे मिले हैं, एक गरीब आदमी को भी 24 घंटे, एक सफल आदमी को भी 24 घंटे और एक असफल आदमी को भी 24 घंटे, सबको बराबर का समय। लेकिन उसी 24 घंटे का कुछ लोग सही इस्तेमाल करके बहुत आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग उन्हीं 24 घंटे का सही इस्तेमाल नहीं करके वो सामान्य जिंदगी जीते हैं। आपको तय करना होगा आप अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं, अच्छी जगहों में, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी तरक्की के लिए, या केवल समय को पास करने के लिए, टाइम को स्पेंड करने के लिए कर रहे हैं। आप क्या केवल दिन भर टीवी देख रहे हैं, क्या दिन भर मोबाइल में लगे हुए हैं, केवल दिन भर घूमने फिरने में लगे हैं, क्या केवल दिन भर कुछ भी फालतू के एक्टिविटीज में लगे हैं, उससे जिंदगी में क्या बदलाव आने वाला है, कुछ भी नहीं। तो करना क्या है, अब अपने समय का सदुपयोग करने की आदत बनानी है। ये सारी जो चारों चीजें मैंने बताई हैं, ये सारी चारों चीजें ना बहुत आसान नहीं है और बहुत कठिन भी नहीं है। थोड़ी सी कोशिश करने पर ये चारों चीजें आसानी से की जा सकती हैं। बस करना क्या है, इन चारों चीजों में, ये चारों जो बताया गया है, इन्हें संकल्प रूप में लेना है। और मैं ये भी बताऊं, शुरुआत, पहली चीज बहुत कठिन होने वाली है, शुरुआत ही तो सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन है। लेकिन जब धीरे 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 आप इसके लिए प्रयास करते रहेंगे, ये धीरे से आदत में शामिल हो जाएगा। कहा जाता है 21 दिन में एक व्यक्ति नई आदतें डेवलप कर लेता है, 21 दिन, केवल 3 हफ्ते ईमानदारी से इन चार संकल्प जो है इनके लिए प्रयास करें, जिंदगी में बदलाव शुरू हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं एक बदलाव, जिससे जिंदगी में बदलाव आए आपकी जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में, और वो बहुत कठिन तरीके से नहीं, सरल तरीके से। और ये चार चीजें अगर आपने किया, तो एक साल के भीतर आप अपनी जिंदगी बदलते हुए देख रहे होंगे। मान कर देखिए, करके देखिए, आपकी जिंदगी भी बदलेगी, क्योंकि इन चारों चीजों को मैं बेहद ईमानदारी से करने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी भी जिंदगी में बदलाव आएगा। करके देखते हैं शुरुआत करके देखते हैं, आइए शुरू करें, जिंदगी बदलें और नए साल का संकल्प लें, ये अब हम करके दिखाएंगे और जिंदगी बदल कर दिखाएंगे साथियों। तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं लोकेश दवांगन, ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस बार शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।